हैप्पी सबत सभी को। सभी का स्वागत है इस मंडली में आप लोगों का। आइए आज की सभा शुरू करने के लिए हिंदी में से गाएंगे 39 नंबर सॉन्ग। खोला अगर तो सभा खड़ी हो जाएंगी। छोड़ मुझे प्यारे यीशु, बिनती सुन मेरी, और रब तुझा करता तुम यीशु আসতে পেরেছি সেজন্য তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা আসতে পারেনি তাদেরকে তুমি আশীষ দিও, এবং যারা আছে তাদেরকে তুমি আশীষিত করো। আর কি চাইবো পিতা, তুমি সবাই জানো ছোট্ট প্রার্থনা প্রভু যীশুর নামে চাইছি, স্মরণ সর্বে গ্রহণ করো। तो मैं आज आप सब के लिए थोड़ी समय के लिए परमेश्वर के वचन में से मैं रखना चाहता हूँ, और ये है सच्चा और जीवता परमेश्वर। सच्चा और जीवता परमेश्वर इंग्लिश में इस तरह से है, द ट्रू एंड लिविंग गॉड। सही है, अनुवाद है ना, ट्रू एंड लिविंग गॉड। ये सच्चा और जीवता परमेश्वर के विषय में हमने हम सब ने
देखेंगे जो हमें बाइबल में मिलती है। आइए हम देखेंगे कि मत्ती की किताब उसका जाने माने पद है। मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय उसका 18 और 19 किसी को मिलना हो गया कृपया पढ़ देंगे। मत्ती 28 किसी को मिल गया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सदा तुम्हारे संग हूँ। हमें सबसे पहले जो हमें प्रतिज्ञा जो आज्ञा दी है क्या है, यीशु ने उनसे उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसे दिया गया है, मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो है परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया और इसलिए यीशु मसीह हम सबके लिए आदेश देते हैं। हाँ, आदेश देते हैं, कहता है कि इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और आगे कहता और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें क्या किया है आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आज सही में परमेश्वर पिता ने हम सबको यीशु मसीह के द्वारा से हम सबके लिए ये आदेश या हुक्म हम सबको देते हैं कि कहता है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें कही है उन्हें मानना सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। लेकिन हम चूक जाते हैं, ये हमारे लिए हमारे सेवेंडे एडवेंटिस्ट कलीसिया के सिद्धांत के अनुसार से ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्हें बाइबल की बातें सिखाना है, उन्हें सिखाना है। जब तक वे नहीं सीखते हैं, जब तक वे नहीं समझते हैं, तो ये परमेश्वर के साथ चलना उनके लिए क्या है, बहुत कठिन है। जैसे आज हम लोग सॉन्ग सर्विस में गाना गा रहे थे कि हम हमारे रास्ता में चलने के लिए क्या है, नाला नदी पर्वत पहाड़ जंगल झाड़ सब कुछ है, लेकिन उसको हमें पार करना है। उसको पार करने के लिए हमारा सहायक कौन है, यीशु मसीह है, जो परमेश्वर ने हमें उनके बेटे के तौर पर हम सब के लिए भेजे हैं। वो हमारा सहायक है, हमें इन सारी चीज़ों से हमें पार करेंगे और उसमें हमारे जीवन में क्या है, आखिरी में क्या है, हमारे जीवन में मृत्यु और मरी भी है। ये सब को भी पार कराया वही परमेश्वर है जो हम सबको पार लगाएंगे। लेकिन इससे पूर्व कि हम उन पर विश्वास करें, हमें उनके हुक्मों को उनके नियमों को हमें मान के क्या है चलना है। आज हम यहाँ खड़े हैं, हम हमारा फर्ज है हम बोलने का, आप सबको बताने का, लेकिन मानने का फर्ज किसका है, मेरा नहीं। हमारा काम है सिखाना, हमारा काम है बताना, लेकिन मानने का काम है आप लोगों का, हमारा। अगर मैं बैठा हूँ तो हमारा भी वो फर्ज है कि हम उसको माने और चले। ये नहीं कि हम यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, हम खड़े होकर बोल रहे हैं, वो नहीं है। मानना है आपको हृदय से, आपको मन से मानना है, तभी हम जो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह ने जो हम सबको आदेश दिए हैं उस आदेश का हम पालन कर सके और उस आदेश को पालन करते हुए हम उन लोगों तक पहुँचे जो आज तक अंधकार में हैं। अगर हम खुद अंधकार में रहेंगे तो हम क्या एक दूसरे को हम ज्योति दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कहावत है ना, अंधा चेला अंधा गुरु बहरा चेला, उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, अंधा गुरु बहरा चेला गुड़ मांगे तो पावे ढेला। वो गुड़ खाना चाहता है, उसका मिठास चाहता है, लेकिन उसको क्या मिलता है, ढेला मिलता है। ढेला में मिठास है कुछ नहीं, मिठास नहीं है। अगर ऐसे ही होंगे तो हम लोग भी, आप लोग के लिए वैसे ही है। हाँ, गुरु ही अंधा है, हाँ
और चेला बहरा है तो सुनने वालों का जो क्या सुना नहीं सुना कोई फर्क नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास आना है। इसलिए हमें कहता है कि तन मन और धन उससे दो, अपने प्रभु को सब कुछ दो। सही में आज उस मानने में हम अगर चलेंगे, अगर परमेश्वर को हम अपने जीवन को हम सौंपेंगे और दे देंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेंगे, अगुवाई करेंगे और हमें हर एक गुण बातों को जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसको हम सीख सकेंगे, उसके अनुसार से हम चल सकेंगे और हम अपने जीवन में दिन प्रतिदिन क्या कर पाएंगे, सीखेंगे। हम अच्छे चीज़ों को सीखते हैं, हम क्या कर पाएंगे अपने जीवन में, कुछ कर पाएंगे, हम उन्नति कर पाएंगे, हम विकास की ओर बढ़ेंगे, हम परमेश्वर के संगति में हम बढ़ेंगे। और परमेश्वर के संगति में हम जब बढ़ते हैं और चलते हैं, हमें किसी प्रकार की भय नहीं होती है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। और परमेश्वर ने हमें छोटा मोटा संतान नहीं बनाया, किसे बनाया है? पहला पत्रस उसका 9 का रज पद अधिकारी बनाया है हम सबको, और हम छोटे मोटे नहीं हैं, हम बहुत बड़े और बड़े कद के बड़े उच्च पद के लोग हम हैं, जिसे परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। तो क्या ही हम सौभाग्य हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये अधिकार दिए हैं। आइए हम देखें पहला कुरंथी उसका 8 का 5 और 6। पहला कुरंथी 8 का 5 और 6 किसी को मिल गया है, कृपया पढ़िए। पहला कुरंथी 8 अध्याय 5 और 6। यद्यपि आकाश नाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। कितना सुंदर कि यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर बहुत से क्या है, ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही क्या है, परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुए और हम भी उसी के द्वारा सिर्जे हैं। हमारा एक ही परमेश्वर है, लेकिन हम सांसारिक रूप से और देखें तो बहुत सारे क्या है, ईश्वर है, भगवान है, लोग जो उनको संबोधित करते हैं, लेकिन हमारा एक ही परमेश्वर है जिसने ये सारे सृष्टि, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और सबको बनाया, और सब कुछ बनाने वाला वही एकमात्र ईश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। क्या ही महान परमेश्वर है जिसकी हम क्या करते हैं, उपासना करते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं। तो क्या हम उन औरों ईश्वर के लिए, ईश्वर का हम उपासना करें जिसके हम देखते हैं रूप स्वरूप बहुत अच्छा है, लेकिन ना वो बोल सकते हैं, ना वे सुन सकते हैं, ना वे देख सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर है, सब कुछ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और हमें अच्छे रास्ते में चलने के लिए हमें अगुवाई भी करते हैं। लेकिन हम ऐसे हैं उन ईश्वर के जैसे है कि हम भी आँख रहते हुए हम नहीं देख सकते हैं, कान रहते हुए हम नहीं सुन सकते हैं, मुंह रहते हुए हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर वो ईश्वर है जो हम सबको संभालता है, हम सबकी सुधि लेता है, हम सबकी वो अगुवाई करता है। आइए पढ़े हम लोग इफिसी की किताब उसका 3 का 9। इफिसी 3 का 9
किसी को मिल गया पढ़िए इफिसी 3 का 9। अब सब प्रकार पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से युक्त था। प्रकार कहता है और सब यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर आदि से गुप्त है। कि सब कुछ का सृजनहार परमेश्वर है और ऐसा परमेश्वर है जो हम सब के सामने गुप्त नहीं रखा है, सबको प्रकाशित कर दिया है, सब दिखा दिया है, लेकिन हम जो है अनजाने जैसे होते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं और जानबूझ के भी हम उस सृजनहार परमेश्वर जो हम सब के लिए सब कुछ सृज करके दिए हैं उसके हम विमुख हम चलने वाले हैं और विमुख हम चलते हैं। लेकिन ये परमेश्वर है जो हम सब के सम्मुख सारे सृष्टि को हमारे बीच में क्या किए हैं, रख दिए हैं। आइए पढ़िए यरमया की किताब उसका 10:10-12। यरमया उसका 10:10-12। किसी को मिल गया पढ़ेंगे यरमया 10। परंतु यह वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। क्या है, पढ़िए पढ़िए। तुम उनसे यह कहना ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। 12 भी पढ़िए। उसी ने पृथ्वी को अपने सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान लिया है। आकाश को उन्होंने अपनी प्रवीणता से तान लिया है। क्या है, महान परमेश्वर है, क्योंकि वो वास्तव में क्या है, वो परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा है वो। और उनके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोगों के क्रोध को सह नहीं सकते। और तुम उससे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाए वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से क्या किए जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे। हम उस परमेश्वर को हम साधना करते हैं, उस परमेश्वर को हम मानते हैं जो हमारे वास्तव में परमेश्वर है और हम सब का वो राजा है और सब कुछ का सृजने वाला परमेश्वर है, वही है। और वो सामर्थ्य परमेश्वर है जिसकी हम उपासना हम करते हैं। आइए हम पढ़े इब्रानी की किताब उसका 1:3। 1:1-3 इब्रानी 1 अध्याय। किसी को मिल गया पढ़ लीजिए। इब्रानी 1:1-3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की इच्छा है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के रहने जा बैठा। क्या है, परमेश्वर महान परमेश्वर है जो अपनी सारी वस्तुओं को क्या किया है, अपनी सामर्थ्य के वचन से उसको संभालता है। क्या ही महान परमेश्वर है कि अपने सामर्थ्य के वचन से सब कुछ हो जाओ
हो गया और उसी के द्वारा से सबको संभालता और आज हम सब के लिए न्याय के लिए स्वर्ग पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है और आज हम सब के लिए बिचवाई का काम कर रहा है, यानी कि न्याय का काम कर रहा है। और वहीं से जब न्याय का दिन पूरा होगा तो उसी समय कहेंगे, आओ हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ मेरे पास। तो हमें चाहिए कि हम उनके अधिकार होने के लिए, हमें तो पहले से ही उन्होंने अपना वारिस ठहराया है, लेकिन हम वो उस वारिस होने की क्या हम काबिल हैं? तभी हम जब काबिल होंगे तब परमेश्वर जिस दिन उस न्याय के दिन में आएंगे उस समय हम सबको ले जाएंगे। और हम सब के लिए ही यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय में ही कहता है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम ही रहोगे। क्या ही महान प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, जो परमेश्वर की हम आज उपासना हम करते हैं। आइए हम देखें प्रेरित क्रिया उसका 17 अध्याय उसका 22वें पद 22 से 29, प्रेरित क्रिया 17 अध्याय उसका 22 और 29। अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिससे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके लिए ठहरे हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े हुए हों। कितना सुंदर वचन हम लिए है कि हम उन जाने अनजाने क्या है अनजाने ईश्वर की हम सेवा नहीं करते। अनजाने किसको बोलेंगे? अनजाने को जिसमें किसी को उसको बनाने की उसमें कुछ सामर्थ या शक्ति नहीं है, जो हाथ से बनाते हैं, हाथ से बना के उनको हम क्या करते हैं? पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन हम उन परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए इतना तक कहा है कि हम उसमें क्या करते हैं, उसको जब हम ढूंढते हैं, उसको हम टटलते हैं, उसको हम पाते हैं और वो हमसे दूर नहीं होते हैं। और हम उसमें क्या करते हैं, जब हम उनको पाते हैं हम उनमें क्या करते हैं? जीवित रहते हैं, उनमें हम चलते फिरते हैं। हम उस परमेश्वर की हम उपासक हैं जिसमें हम जीवित रहते हुए हम चलते फिरते हैं और चलते फिरते हैं। और इसी तरह से बहुत से कवियों ने भी यह कहा कि हम भी उनके क्या है? वंशज है। यह दावा करना चाहिए कि हम उस महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, ना हम उस सोने, ना उस चांदी, ना उस रूपा, ना उस पत्थर की हम सेवा करते हैं, लेकिन हम उस जीवते परमेश्वर की हम उपासना करते हैं जो इस संसार का रचयिता है, इस संसार को बनाने वाला है। उस परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं। तो आइए हम आखिरी हम देखते हैं कुलसी की किताब उसका 1:16, कुलसी की किताब उसका 1:16।
जिसको मिलना होगा तो पढ़ दीजिए। इसी के बाद कुलसी, क्योंकि उसी ने सारी वस्तुओं की सृष्टि भी स्वर्ग स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सब कुछ क्या है, परमेश्वर के लिए सृजी गई है। तो आइए हम उस परमेश्वर की हम साधना करते हैं जो संसार को बनाने वाला परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करे कि जब हम उनकी साधना और उनकी उपासना हम करते हैं, हम उनके वचनों को हम जाने सीखे और उसके मुताबिक हम चले, ताकि परमेश्वर ये जो आशीष हम सबको देने वाली हैं उस आशीष का हम भागीदार हो सके। परमेश्वर सबको आज की इस छोटी सी वचन में आशीष देवे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर साहब को। आइए आज का सबक को अंत करने के लिए हिंदी में से गाएंगे 18 नंबर गाना। यीशु क्या है प्यारा मेरा, पापों को उठाने को दिन के लिए और इस संगति के लिए, क्योंकि आपने हम सबको ये संगति और साबत दिन प्रदान की है। धन्यवाद देते हैं जब हम इस बड़ी सभा में हो सके हो करके आपके वचनों में से ध्यान मगन कर सके। पिता, इन वचन के प्रति आपकी आशीष हो, अगुवाई हो, ताकि इन वचन के द्वारा से पिता हम अपने आप को आपके करीब रख सके और इसी तरह से हम आपकी सेवा आराधना हम पूरे मन से पूरे हृदय से हम कर सके पिता, क्योंकि आप हम सबका बनाने वाला जीवता परमेश्वर है। प्रार्थना करते पिता, हम मनुष्य हैं, संसार में हैं, संसार में रहते पिता,
हम इस संसार के सादृश और इस पापमय जीवन में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप हम सबको संभालिए और हम सबको उस आनंदमय देश के लिए हम सबको तैयार कीजिए, ताकि पिता हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हुए एक समर्पित जीवन हम जी सके। और इसी तरह से पिता आपका सुसमाचार जो सारे जगत में है पिता फैलाना है, उसको हम फैला सके। और भी हम उन लोगों को भी आपके वारिस का अधिकार बना सके। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि आपने हम सब के लिए इस पवित्र शास्त्र के द्वार से हम सबको प्रदान की है। इसी तरह से प्रार्थना करते पिता, जो बीमार में है, दुख में है, तकलीफ में है, उनकी सुधि ले। और प्रार्थना में याद करते हैं मिस्टर क्रिकेटर के लिए पिता, और उन्हें तो शांति दे, उन्हें सामर्थ्य दे, और उन्हें तो संभाल, क्योंकि तो संभालने वाला हम सबका परमेश्वर है। इसी तरह से हम सबको भला संगा स्वस्थ रखिए, ताकि हम स्वस्थ रहते पिता फिर से अगले साबत यहाँ करके आपके नाम की स्तुति महिमा कर सके। इसी तरह से जब हम इस सभा से विदा होते हैं, सबको तो आशीष के साथ विदा कर ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनो, ग्रहण कर। आमीन।